साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। इंजीनियरिंग ड्राइंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, या यूं कहें कि यह इंजीनियरिंग ड्राइंग की जान है। तो आज हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी गहराई से करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप एग्जाम में किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इस चैप्टर से आसानी से उस क्वेश्चन को कर सको। और जो बच्चा इस चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंजीनियरिंग ड्राइंग की बाकी वीडियो भी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें, ये आपके लिए एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन निम्न प्रकार का व्यू होता है। ऑप्शन आपके पास है वन डायमेंशनल व्यू, टू डायमेंशनल व्यू, थ्री डायमेंशनल व्यू या फोर डायमेंशनल व्यू। तो ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन है वो टू डायमेंशनल व्यू होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। इससे पिछला जो वीडियो था उस वीडियो में हमने ये भी किया था कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन किस प्रकार का व्यू होता है। तो आपको याद रखना कि आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन होता है वो थ्री डायमेंशनल व्यू होता है और जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है वो जो व्यू होता है वो टू डायमेंशनल होता है। टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल में फ़र्क क्या है? जो टू डायमेंशनल व्यू होता है उस व्यू में एक टाइम में सिर्फ दो ही डायमेंशन दिखाई देती हैं और जो थ्री डायमेंशनल व्यू होता है उसमें एक टाइम में तीनों डायमेंशन साथ में दिखाई देती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन निम्न में से कौन से सिस्टम में बनाए जाते हैं। तो ये पूछा गया कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कौन से सिस्टम में बनाए जाते हैं। ऑप्शन आपके पास है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में या ए व सी दोनों। तो जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है वो दो सिस्टम में बनाए जाते हैं, एक सिस्टम को बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और दूसरा है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी ए और सी दोनों। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, इसको समझने के लिए हम पहले क्वाड्रेंट समझते हैं। आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, इसमें सारे क्वाड्रेंट और फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का ओवरव्यू आपको दिया गया है। इस डायग्राम में जो ब्लू कलर का प्लेन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल प्लेन, शॉर्ट में हम इसको VP भी कह सकते हैं। और जो ये ग्रीन कलर का प्लेन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि शॉर्ट में कह सकते हैं HP। तो ये जो प्लेन है VP और HP एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे क्रॉस करते हैं और पूरे स्पेस को चार हिस्सों में यानी चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। उनको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी जो ये पार्ट है अगर ऑब्जेक्ट यहाँ तो इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, पीछे जो है यहाँ है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी सिस्टम को अगर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में समझें तो आपको सामने से VP कैसे लाइन दिखाई देगी, ये जो लाइन है VP है और ये HP है। तो क्वाड्रेंट ये हो जाएगा फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ऑब्जेक्ट चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में रखा हो आपका ऑब्जर्वर यहाँ पर होगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट को देखेगा। तो आइए पहले इन क्वाड्रेंट की पोजीशन को समझते हैं, पोजीशन के भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें पहले क्वाड्रेंट की, फर्स्ट क्वाड्रेंट की पोजीशन की, तो आपसे पूछ सकता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसकी पोजीशन HP और VP के रेफरेंस में क्या होगी। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो HP के ऊपर है, HP से क्या है ऊपर है और VP के सामने है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो पोजीशन है वो इस प्रकार से बताई जाएगी, HP के ऊपर और VP के सामने, या यूं कहें अबो HP इन फ्रंट ऑफ VP। इसी प्रकार अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें
तो जो सेकंड क्वाड्रेंट की पोजीशन है वो एचपी के ऊपर है और वीपी के पीछे है, तो आप कहोगे अब वो एचपी बिहाइंड वीपी, बिहाइंड वीपी। इसी प्रकार अगर थर्ड क्वाड्रेंट की पोजीशन देखी जाए तो वो एचपी के नीचे है और वीपी के पीछे है, तो इंग्लिश में अगर बात करें तो आप कहोगे बिलो एचपी बिहाइंड वीपी। इसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट की पोजीशन एचपी के नीचे है और वीपी के सामने है, तो हम लिखेंगे बिलो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इन चार क्वाड्रेंट में से किन्हीं एक में सिचुएटेड होगा, तो ये थे चार क्वाड्रेंट और उनकी पोजीशन। अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा गया है और आप प्रोजेक्शन ड्रा करते हो तो उस तरह के प्रोजेक्शन को कहा जाएगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। क्या कहा जाएगा? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, जब आपका ऑब्जेक्ट पहले क्वाड्रेंट में रखा और आपने प्रोजेक्शन बनाए। इसी प्रकार से अगर आपका ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में रखा गया है और आप प्रोजेक्शन ड्रा करते हो तो उसको बोलते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो क्वेश्चन अगर पूछ ले कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो आप कहोगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमेशा ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाता है। इसी प्रकार अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करें तो ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में रखा जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रा नहीं किए जाते। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट को कौन से क्वाड्रेंट में रखा जाता है? ऑप्शन आपके पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो अभी हमने पिछले डायग्राम में देखा था कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट पहले क्वाड्रेंट में रखा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर क्वेश्चन में पूछता कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, तो आंसर होता हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट की स्थिति क्या है? अब यहाँ पर क्वाड्रेंट का नाम ना पूछकर उसकी स्थिति पूछी गई है, यानी एचपी और वीपी के रेफरेंस में उसकी पोजीशन क्या है। ऑप्शन आपके पास है एचपी के ऊपर, वीपी के पीछे, एचपी के नीचे, वीपी के सामने, एचपी के ऊपर, वीपी के सामने, एचपी के नीचे, वीपी के पीछे। तो अभी हमने किया था कि हमारे पास दो प्लेन होते हैं वीपी और एचपी, ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की वो बात कर रहा है, अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करता है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की पोजीशन क्या है? एचपी के ऊपर और वीपी के सामने। तो ऑप्शन में हमारे पास एचपी के ऊपर और वीपी के सामने ऑप्शन नंबर थर्ड, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में पूछ सकता है इसी क्वेश्चन को, और वो फर्स्ट एंगल की जगह थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में भी वस्तु की पोजीशन पूछ सकता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में वस्तु को एचपी के नीचे व वीपी के पीछे रखा गया है, तो बताइए ये कौन सा क्वाड्रेंट है। हाँ, क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकता है, उसने पोजीशन अपने आप बता दी भी एचपी के नीचे है और वीपी के पीछे, तो आपने बताना ये कौन सा क्वाड्रेंट है। ऑप्शन आपके पास है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो ड्रा करते हैं, ये वीपी है और ये एचपी है, पोजीशन कहिए इसने एचपी के नीचे है, यानी एचपी के नीचे है, एचपी के नीचे या थर्ड क्वाड्रेंट है या फोर्थ क्वाड्रेंट है। आगे कहा है वीपी के पीछे, वीपी के पीछे यानी ये वीपी है, वीपी के पीछे, तो वीपी के पीछे कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा तृतीय, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सिक्स। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू कौन से प्लेन पर बनता है? ऑप्शन आपके पास है हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि एचपी, वर्टिकल प्लेन यानी कि जिसे हम वीपी भी कहते हैं, रेफरेंस प्लेन या कोई भी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि फ्रंट व्यू कौन से प्लेन पर आप बनाएंगे, तो आइए चलते हैं उसी डायग्राम पर और समझते हैं। इस डायग्राम में ये वीपी है और ये एचपी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो फ्रंट व्यू है वो कौन से प्लेन पर बनता है,
यहाँ ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाएगा। ऑब्जर्वर जब सामने से देखता है किसी वस्तु को, उस व्यू को कहते हैं फ्रंट व्यू। तो इस फ्रंट व्यू में जो इसकी परछाई है, जो प्रोजेक्शन है, वो कौन से प्लेन पर बनेगा? वीपी के ऊपर। तो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वीपी। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू कहाँ बनता है? वीपी के ऊपर। इसी प्रकार से अगर वो क्वेश्चन में टॉप व्यू भी पूछ सकता है, तो टॉप व्यू कहाँ बनेगा? अगर आप ऊपर से ऑब्जेक्ट को देखोगे, उसकी परछाई, उसका प्रोजेक्शन, वो कहाँ दिखाई देगा आपको? एचपी के ऊपर दिखाई देगा। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू हमेशा वीपी के ऊपर बनता है और टॉप व्यू हमेशा एचपी के ऊपर बनता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो दोनों तरीके से पूछ सकता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू वीपी के ऊपर बनता है। तो आंसर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू कहाँ बनता है? यहाँ टॉप व्यू फ्रंट व्यू के रेफरेंस में पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है फ्रंट व्यू के दाएं तरफ यानी कि राइट साइड में, फ्रंट व्यू के बाएं लेफ्ट साइड में, या फ्रंट व्यू के बिल्कुल नीचे, या फ्रंट व्यू के बिल्कुल ऊपर। तो याद रखना, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के बिल्कुल नीचे बनता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। इसको समझने के लिए एक डायग्राम पर चलते हैं। ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के दोनों सिस्टम के बारे में बताएगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के, ये रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन के ऊपर है, और टॉप व्यू फ्रंट व्यू के एग्जैक्टली नीचे यानी बिल्कुल उसके नीचे बनाया गया है। इसी प्रकार थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के नीचे है, ये फ्रंट व्यू है, और टॉप व्यू उसके बिल्कुल ऊपर बनाया जाता है। तो याद रखना, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के बिल्कुल नीचे बनता है, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू फ्रंट व्यू के बिल्कुल ऊपर बनता है। अब हम अगर बात करें साइड व्यू की, तो ये भी याद रखना है कि जो साइड व्यू होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में उल्टे बनते हैं। उल्टे मतलब लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनेगा, और राइट साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में बनेगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये साइड व्यू उल्टे बनते हैं, लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सेम साइड में बनता है। कैसे? राइट हैंड साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के राइट साइड में ही बनेगा, और लेफ्ट साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में बनेगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेफ्ट साइड व्यू और राइट साइड व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में किस साइड बनते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये भी समझ में अच्छी तरह से आया होगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु का टॉप व्यू कहाँ बनता है? ऑप्शन आपके पास है फ्रंट व्यू के दाएं यानी कि राइट साइड, फ्रंट व्यू के बाएं यानी कि लेफ्ट साइड, फ्रंट व्यू के बिल्कुल नीचे, फ्रंट व्यू के बिल्कुल ऊपर। तो अभी हमने डायग्राम में देखा था कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के बिल्कुल ऊपर बढ़ता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु का दाएं साइड व्यू यानी राइट साइड व्यू कहाँ बनता है? फ्रंट व्यू के दाएं, फ्रंट व्यू के बाएं, फ्रंट व्यू के नीचे, या फ्रंट व्यू के ऊपर। तो अभी हमने डायग्राम में देखा था कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड व्यू राइट साइड में ही बनता है फ्रंट व्यू के। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रंट व्यू के दाएं यानी दाएं साइड व्यू फ्रंट व्यू के हमेशा दाएं ही बनता है। तो आंसर हो जाएगा ए। लेकिन अगर यही बात फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में पूछी जाती, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमेशा अपोजिट साइड बनता है यानी राइट साइड व्यू लेफ्ट में बनता है और लेफ्ट साइड व्यू राइट में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक आइसोमेट्रिक ग्लोब की कुल कितनी सतह यानी सरफेस होते हैं? ऑप्शन आपके पास है 2, 3, 4 या 6। तो यहाँ पर आइसोमेट्रिक ग्लोब की सतह पूछे गए हैं, सरफेस पूछे गए हैं। तो ये आपके सामने एक ब्लॉक है, एक क्यूब है, इसमें आप सरफेस देख सकते हो कितने सरफेस हैं। एक सरफेस ये है,
इसको फ्रंट व्यू भी कह सकते हैं। अगर इधर से हम देखेंगे एक सरफेस, एक इसके एग्जैक्टली पीछे है, दो, एक आपके राइट साइड में है ये ग्रीन वाला सरफेस, और एक इसके बिल्कुल पीछे है ये वाइट वाला सरफेस। तो दो आगे पीछे, लेफ्ट साइड राइट साइड चार, एक आप टॉप से देख सकते हो ये सरफेस है और एक बॉटम से, तो टोटल कितने सरफेस हो गए? छह। कौन से? फ्रंट, बैक, लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप एंड बॉटम। तो टोटल कितने सरफेस हैं? छह सरफेस होंगे। तुम्हारा आंसर हो जाएगा डी। और जितने सरफेस होंगे उतने ही किसी भी डायग्राम के व्यू बनाए जा सकते हैं। यानी फ्रंट से देखोगे तो फ्रंट व्यू बनेगा, बैक से देखोगे बैक व्यू या रियर व्यू भी इसको बोलते हैं, लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है मैक्सिमम छह सरफेस होते हैं और छह ही व्यू बन सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न व्यू में से किसमें ड्राइंग का सही आकार या रूप यानी एग्जैक्ट शेप और साइज बनता है? ऑप्शन आपके पास आइसोमेट्रिक व्यू, ओब्लिक व्यू, ऑर्थोग्राफिक व्यू या प्रस्पेक्टिव व्यू। तो ड्राइंग का जो सही आकार है, एग्जैक्ट शेप और साइज है, वो बनती है ऑर्थोग्राफिक व्यू में। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? यानी जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हो तो ये जो लाइनें हैं ऑब्जेक्ट को और ऑब्जर्वर को मिलाती हैं, इन लाइनों को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके पास है डैश लाइन, सेंटर लाइन, प्रोजेक्टर्स या एक्सटेंशन लाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोजेक्टर। आंसर हो जाएगा सी। ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाएं प्रोजेक्टर कहलाती हैं। तो ये थे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपसे क्विज में दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में टॉप व्यू कौन से प्लेन पर बनता है? आपको बताना है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में टॉप व्यू कौन से प्लेन पर बनेगा। ऑप्शन है आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन HP, वर्टिकल प्लेन यानी VP, रेफरेंस प्लेन या कोई भी। क्विज का क्वेश्चन नंबर टू है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु की स्थिति क्या होगी? ऑप्शन आपके पास HP के ऊपर, VP के पीछे, HP के नीचे, VP के सामने, HP के ऊपर, VP के सामने, HP के नीचे, VP के पीछे। आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट की स्थिति HP और VP के रेफरेंस में बतानी है। तो इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो साथियों, उम्मीद है आप लोगों को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन को किसी तरह से मरोड़ तोड़ के पूछे, आप उसको आसानी से कर लोगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों को ITI की अपडेट्स और दूसरी पढ़ाई की वीडियो समय से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।